नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में सशक्त नारी समृद्ध नारी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री धामी ने मेगा रोड शो किया। बन्नू स्कूल में नारी शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम के स्वागत के लिए रेस कोर्स क्षेत्र में दोनों ओर भारी संख्या में महिला शक्ति नजर आई। सीएम धामी के इस रोड शो में महिला शक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीएम धामी ने पद्मश्री माधुरी बर्थिवाल और पद्मश्री बसंती बिष्ट समेत 22 महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही सीएम धामी ने कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। वहीं 1055 करोड़ की योजनाओं का सीएम धामी ने लोकार्पण भी किया। राजधानी है, लोकसभा चुनाव इसके बाद होने वाले हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए, महिला की शक्ति के लिए और बहुत ही अच्छा है। सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूं और आगे आने जो इलेक्शन में हम चाहते हैं कि पूरा हमारे पांचों सीट जीते और आदरणीय मोदी जी के एक तोहफा की तरह से हम उत्तराखंड के लोग पहुँचाए। धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये देवभूमि है, इसलिए जो है यहाँ की हर नारी सशक्त है। भाई, माता दुर्गा को देख के ही तो उन्होंने सब कुछ सीखा, ना डरना है ना कुछ, भागना है ना कुछ। सुबह से रात तक काम करती रहती। ऐसे ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं कि बादल छाए हुए हैं आसमान में, और वो तो तारा को देख के तब देखती थी ना कि चार बज गिन तारा दिखता, ध्रुव तारा, और उड़ जाते थे। लेकिन जब बादल लगे हुए हैं तो अगर 12 बजे आँख खुली तो 12 बजे से लग जाती काम में, पता ही नहीं है कि कितने देर सोई। तो ये भी दिन था। अब तो बहुत सरल हो गया है। वो जमाना था जब उसमें कांटों पे चली है वो, है ना। तो वो ही हमारी जो है पूर्वज है, तो पूर्वजों से कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए हमको, है ना। और ज्यादा सहूलियत वाला भी नहीं होना चाहिए। मैं तो सरकार के जो कार्यक्रम में खबर देहरादून से है, जहां नारी शक्ति महोत्सव 2024 में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर मात्र शक्ति के उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण सुनिश्चित किया है। हमारे राज्य की महिलाओं ने अपनी मेहनत से खुद को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है। देवभूमि की संस्कृति को भी संरक्षित किया गया है। उत्तराखंड के अंदर अपनी मातृशक्ति के उत्थान के लिए 30% जो आरक्षण सरकारी नौकरियों में जो सुनिश्चित किया, उसके पीछे हेतु था कि हमारी माताएं बहनें हर क्षेत्र में आगे आए। तेज गति से हमने उसमें काम किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मंशा क्या है, हम अपनी मातृशक्ति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है। आज प्रदेश की समस्त माताओं बहनों ने अपने अथक परिश्रम से जहां आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है, वहीं जो देवभूमि की संस्कृति है और सभ्यता है उसको भी हर क्षेत्र में जीवंत बनाने का काम किया है। देहरादून में आज नारी शक्ति महोत्सव मनाया जा रहा है, और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गाड़ी में सवार है, और साफ तौर पर जो लोग हैं, महिलाएं यहां पर पहुंची हैं हजारों की संख्या में, उनके द्वारा आज अभिनंदन किया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। फूल बरसाए जा रहे हैं, साथ साथ बड़े स्तर पर ये पूरा कार्यक्रम किया गया है। करीब 15 से 16 हज़ार महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। त्यागी रोड से लेकर बन्नू ग्राउंड तक ये पूरा कार्यक्रम था। इसके बाद नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम किया जाएगा। साथ में उनके मौजूद हैं जो लोकसभा सीट से टीरी से राजे माला लक्ष्मी शाह उनके साथ मौजूद है, साथ साथ राज्यसभा सांसद उनके साथ मौजूद है। तो तमाम विधायक के साथ साथ आज एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी में आयोजित हो रहा है, जो लोकसभा चुनाव से पहले का एक कार्यक्रम कह सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और भारी संख्या में महिलाएँ यहाँ पर पहुँची है, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय लोकसभा चुनाव में जो प्रचंड जीत की भाजपा बात कर रही है, वही उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। देहरादून में नारी शक्ति महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। त्यागी रोड से लेकर बन्नू ग्राउंड तक सीएम पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में जगह जगह महिलाओं ने फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने महिलाओं से बातचीत भी की, आपको सुनाते हैं।
सिंह धामी द्वारा नारी शक्ति सम्मेलन पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। इससे पहले रोड शो यहां पर किया जा रहा है, जिसमें त्यागी रोड से लेकर बन्नू ग्राउंड तक ये रोड शो चलाया जाएगा। उसके बाद नारी शक्ति बंधन सम्मेलन चलाया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहां पर नजर आ रही है, और लंबी कतारें यहां पर महिलाओं की देखने को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो के दौरान यहां पर उनका सम्मान किया जाएगा, फूलों की वर्षा की जाएगी, और उसी के तहत यहां पर जो महिलाएं हैं वो यहां पर खड़ी हुई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात कुछ करेंगे। मैम, किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य कर रहे हैं नारी शक्ति के लिए? नमस्कार आप सभी को, मैं दुदली से हूँ। हमारे धामी जी बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने हम लोगों के लिए एक समूह बनाया हुआ है, महिला स्वयं सहायता समूह से ही जुड़ी हुई हूँ मैं भी। उसके पहले हम लोग एक घर तक ही सीमित थे, लेकिन अब हमें बाहर जाने का मौका मिल रहा है और हम लोगों की अपनी एक पहचान भी बनी हुई है, जिससे हम जगह जगह पर जाते हैं और अपना उत्तराखंड का कल्चर भी दिखाने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। मैडम, क्या नाम है आपका, कहाँ से? सर मेरा आपको पहले मेरा आपका नमस्कार। मेरा नाम मंजू जोशी है, मैं डोयला ब्लॉक के दुदली गाँव से हूँ। मैं एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ, जिसमें आजकल हमारी अभी तक हमारी सरकार ने बहुत कुछ काम कर रखा, विशेषकर हमारे मोदी जी हैं जो बैठे हैं वहाँ पे, वो नारी को एक सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं और महिलाओं को हर जगह उनको एक पहचान मिल रही है। और हमारे यहाँ पे सीएम धामी जी हैं हमारे, तो वो हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक मान और सम्मान मिल रहा है, महिलाओं की एक पहचान मिल रही है, क्योंकि हम लोग आज तक घर तक सीमित थे, अब हमें एक आज़ाद भरी मतलब यानी हम हवा में उड़ रहे हैं। 30% आरक्षण भी रखा है महिलाओं के लिए, किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से लगातार कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, महिलाएं जैसे जैसे अपना रोजगार खोल रही हैं, तो उसमें उनको महिलाओं को उसी में रोजगार के लिए ही जो पैसा दिया जा रहा है उसमें ही आरक्षण वगैरह भी दिया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने फूल भी रखे हैं हाथ में, क्या वजह है इसकी? आज मुख्यमंत्री का रोड शो भी यहाँ पर होगा। हाँ जी, क्या बोलूं, उनके स्वागत के लिए। हाँ जी, स्वागत के लिए आए हुए हैं हम लोग। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से महिलाएं यहां पर खड़ी हुई हैं और जिस तरह से पुलिस फोर्स आपको यहां पर नज़र आएगी, और साथ साथ जो पहला महिला बैंड जो यहां पर आपको दिखाई देगा, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इंतज़ार कर रहा है कि उनके स्वागत में ये बैंड यहां पर बजाया जाएगा। इसी साल इस बैंड की जोड़ा गया है पुलिस विभाग से, और आप देख सकते हैं नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए जिस तरह से सरकार यहां पर कर रही है, महिलाएं जिस तरह से बता रही है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा यहां पर लगातार विकास कार्य यहां पर देखने को मिल रहे हैं सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ जो प्रदेश की सरकार है सीएम पुष्कर सिंह धामी की, लगातार मातृशक्ति के लिए कार्य कर रही है। पुलिस फोर्स के साथ साथ यहाँ पर जो महिलाएं डिफरेंट विभिन्न कॉलेजों से और साथ साथ स्वयं सहायता समूह और अपने घरों से यहाँ पर निकलकर मुख्यमंत्री का स्वागत करेगी, और उसके बाद यहाँ पर एक मातृशक्ति बंधन कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी स्पीच देंगे, और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है मातृशक्ति के लिए, उसके तहत अपनी जो बातें हैं वो मातृशक्ति के सामने रखेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के सदस्यों ने भेंट की। इस मौके पर सभी तीर्थ पुरोहितों और पुजारियों ने उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। पुजारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने यूसीसी विधेयक पास कर ऐतिहासिक काम किया है, सदेश में उत्तराखंड राज्य का सम्मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 394 ग्राम विकास अधिकारियों के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नव नियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि आप सभी नियुक्त कार्मिक अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निर्वहन करें, गांव को विकसित बनाने में आपका योगदान अहम रहेगा। उन्होंने कहा कि आपकी जो भी जिम्मेदारी आपको मिल रही है उससे पहले दिन से ही अपने लिए कड़ा अनुशासन बनाकर शुरू करें।
टनकपुर देहरादून के बीच नई रेलगाड़ी के संचालन को रेल मंत्रालय के द्वारा मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। कहा है कि इस ट्रेन के संचालन से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा रेल मंत्री से इस संदर्भ में आग्रह किया गया था, जिस पर मंत्रालय की ओर से नई रेल के संचालन को मंजूरी मिल गई है। कि हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। कल महाशिवरात्रि मनाई जाएगी, इसलिए पड़ोसी जिलों से बड़ी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल लेकर वापस लौट रहे हैं। शारदीय कांवड़ यात्रा में भी लगातार डाक कांवड़ों की संख्या में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा और मेरठ जैसे जिलों से कांवड़िए पैदल चलकर डाक कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। पुलिस ने भी कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए मुस्तैदी बढ़ाई है। पीएसी और अन्य फोर्सेज की तैनाती की गई है, साथ ही रूट को भी डाइवर्ट किया गया। के मद्देनजर पूरे हमारा जो जनपद हरिद्वार है, इसको हम लोगों ने विभिन्न जोनों में और सेक्टरों में विभाजित किया है। साथ में जो हमारा ट्रैफिक का वो एक अलग जोन हमने बनाया है, जिसमें जो हमारी पार्किंग व्यवस्था है, रूट डाइवर्जन का हमारा प्लान एक्टिवेटेड है। अगर उसमें ज़्यादा दबाव बढ़ता है तो रूट डाइवर्जन अपने हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे। जो भारी वाहन है उसके लिए हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की है कि वो रात के समय लास्ट चलेंगे, उसके बाद कल हम उसको थोड़ा सा रोकेंगे। सभी जगह पर आवश्यक जो पुलिस बल है वो इनको दिया जा चुका है। हमारा एसपी सिटी पूरे संपूर्ण जो उनके इंचार्ज बनाए गए हैं, उनके अधीन ही विभिन्न जो सर्कल अफसर हैं और जितने थाना प्रभारी हैं उनको दिया गया है। तो फोर्स को का डिप्लॉयमेंट सही तरीके से हो और ट्रैफिक व्यवस्था सही से सुचारू रूप से चले, ये हमारा लिख लेते। सुबह 5 बजे यहाँ स्टे करा है और सुबह 8:40 पर जल उठाया है हमने। देश सरकार की तैयारी कुछ हद तक बहुत अच्छी है, बाकी जो प्रशासन है थोड़ा सा बस सहयोग सही से नहीं दे पा रहा। हम निकले थे जी 4 तारीख को रात को 10 बजे, आज हमने सुबह 10 बजे 9:15 जल उठाया है। कल भोले की इच्छा से अनुसार चढ़ेगा जल, जो भी भोले की इच्छा होगी जी। बहुत बढ़िया लगता है, अब हमारा बड़ा मंदिर है उसमें जाकर हम भोले की इच्छा अनुसार जल। नगर आयुक्त और नगर निगम की कर्मचारी के साथ भाजपा विधायक महेश जीना के द्वारा अभद्रता का मामला शांत नहीं हो रहा। महेश जीना के खिलाफ नगर कोतवाली में चालक संघ के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद दूसरे दिन भी नगर निगम में ताला लगा रहा। कर्मचारी विधायक की गिरफ्तारी की मांग पर डटे रहे हैं। वहीं कर्मचारियों के बहिष्कार से देहरादून में जगह जगह कूड़े का जाल फैला हुआ है, जिससे आम जनमानस परेशान नजर आ रहा है। वहीं सरकार समेत प्रशासक अधिकारी मामले के समझौते में लगे हुए हैं। कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सत्येंद्र कुमार ने अपनी मांग पर अड़े रहने की बात कही है। वहीं विधायक पर कड़ी कार्रवाई करने तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है। मेरा कहना है कि भाई आप अपने काम के लिए आते हो, कोई भी आता है तो अधिकारी से जबरदस्ती थोड़ी करवा लोगे, अधिकारी से प्यार से तो काम कराओगे या गाली देकर कराओगे या डंडा मार के करवाओगे। उनसे मेरा निवेदन है कि अगर अपने विधायकी को बचाना चाहते हैं, विधायक हैं, तो वो जो है कम से कम इस बात को मान लें कि हमारा कर्मचारी निकाय कर्मचारी अभी तो आज तक जो है खाली नगर निगम देहरादून में देख चल रहा है। हम प्रांतीय महामंत्री हैं, हम पूरे प्रांत में निकाय कर्मियों को सोमवार से बोल देंगे सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप लगा है। बता दें कि आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर अधिवक्ता विकास नेगी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने इसकी शिकायत विजिलेंस को की है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने गणेश जोशी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में बीजेपी के नेता ज्यादातर मामलों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिश्ट ने इस मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। देखिए, आरोप लगना और कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ आकर सड़क पर आकर बोल दे तो उसमें बहुत अंतर है। कोई साक्ष्य होने चाहिए, कुछ आदमी के पास किसी के
खिलाफ कुछ कहने के लिए कुछ प्रमाण होना चाहिए। सिर्फ कह देना और सोशल मीडिया पे चला देना, किसी व्यक्ति की छवि खराब कर देना, ये ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पहले इससे हम 156 दायर करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं ऑर्डर करते हैं मुकदमा दर्ज करने के या 156 खारिज करते हैं, तब उसके बाद आगे की कार्रवाई हाई कोर्ट होती है। अगर यहीं से पीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज होने की कार्रवाई हो जाती है तो हमें हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें होना ही पीसी एक्ट का मुकदमा दर्ज है। गणेश जोशी जी का मामला निश्चित रूप से गंभीर मामला है। जो आरटीआई में सूचनाएं आई हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, निश्चित रूप से वो सरकार की नीति और नियत को दर्शाती है, भाजपा के कार्यकर्ता की नीति और नियत को दर्शाने का काम करती है। स्वतः माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के बजाय भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस जो एक ही उसमें दो मापदंड नहीं किए जा सकते हैं, अगर कांग्रेस के किसी नेता पर कोई बात उठती है उसके यहाँ तो ईडीआई सीबीआई भेज देते हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी को या भाजपा नेतृत्व को तय करना है कि गणेश जोशी वाले मामले में वो क्या कार्रवाई करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी हाईकमान ने टिहरी सीट के लिए राजशाही परिवार पर अपना भरोसा जताया है। माला राजलक्ष्मी शाह को टिकट देने के ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दोसौनी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि माला राजलक्ष्मी शाह का बार बार सांसद चुने जाने के बाद ना तो टिहरी का विकास हुआ है, ना जनता को उनके दर्शन हो रहे हैं। तो वहीं गरिमा के ताने पर पलटवार करते हुए बीजेपी की प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला पहले भी नहीं कर पाई है। जैसे ही उत्तराखंड भाजपा ने एक बार पुनः रानी साहिबा को टिहरी संसदीय क्षेत्र से रिपीट करने का मन बनाया और घोषणा की, तब से लगातार मन में उहापोह चल रहा था, एक आकलन चल रहा था कि आखिर रानी साहिबा की एक सांसद के रूप में भूमिका क्या रही, क्या उनकी साल दर साल उपलब्धि रही, और नतीजा 0/0 मिला। ना उन्होंने विस्थापितों की बात को उठाया, ना डूब क्षेत्र के लोगों की बात को उठाया, ना उन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, ना बेरोजगारी की बात, ना महंगाई की बात, ना जंगली जानवरों की बात। उन्होंने एक तरह से टिहरी की जनता को अनाथ छोड़ दिया। बार बार टिहरी की जनता ने उनको सर माथे बिठाया, पलक पावड़े बिछाए उनके लिए, और उनको प्रेम और विश्वास स्वरूप अपना मत उनके नाम कर दिया। लेकिन रानी साहिबा ने एक बार नहीं, कई बार टिहरी की जनता की पीठ में छुरी भोंकी है। देखिए, केंद्र सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में पूरे देश के लिए काम किया गया, विकास किया गया, उसका मुकाबला कांग्रेस कहीं तक भी करती नहीं दिखाई दे रही है। इसी का कारण है कि उनके जो बड़े दिग्गज नेता है वो मैदान छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ में अब हमारी एक नेत्री जी कह रही है कि वो टिहरी से रानी जी का मुकाबला करेंगी, तो रानी जी का मुकाबला करने के लिए उनको बहुत सोच समझ के मैदान पे उतरना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हमने आज तक ये देखा है कि क्षेत्रों में काम करने वाले लोग किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन इन नेत्री जी का तो समझ में ही नहीं आता। घोड़ों की तो नाल हमने आज तक लगती हुई देखी थी, लेकिन मेंढकी जी भी अपनी ताल ठोकने की बात कर रही, तो ये बड़ा गजब सा और हास्यास्पद सा लगता है। रानी का मुकाबला करने के लिए उनके दिग्गज पीछे हट रहे हैं, अपने हाथ खींच रहे हैं, लेकिन अगर वो सामने आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जमानत जब्त करवा के जाएंगे, सुनने पर वो दिखाई देंगे आने वाले समय। हरिद्वार के अधिवक्ता संघ ने जनता विधायक खानपुर उमेश कुमार का जोरदार स्वागत और सम्मान किया है, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समर्थन करने का आश्वासन दिया। विधायक उमेश कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं विधायक उमेश कुमार ने सभी अधिवक्ताओं का आभार जताया है। अधिवक्ता हमारे जो हैं वो एक समाज का सबसे मजबूत स्तंभ में गिने जाते हैं, और सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं और हमारे साथी सहयोगी जो हमारे छोटे बड़े सभी का जो प्यार मिला, जो सहयोग मिला, उसके लिए मैं पूरी बार एसोसिएशन का हृदय से आभारी हूँ। इसके अलावा मैं इतना कहना चाहूँगा कि भविष्य में बार को जब भी मेरी ज़रूरत होगी, जैसे भी ज़रूरत होगी, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। चुनाव तो जनता का चुनाव है, हमारे पास कोई चिन्ह तो है नहीं, कोई पार्टी तो है नहीं, ये तो जनता ने अपने आप लड़ना है, जनता ने जीतना है, जनता ने हारना है, उनका निर्णय है, वो जो करना चाहेंगे, हमने तो जनता पे छोड़ा हुआ है। तक तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, बाकी देखते हैं, कोई पार्टी संपर्क करेगी तो उस पर भी विचार करेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे। हम
बार का मतलब है पूरे जिले के अधिवक्ताओं के लिए, वादकारियों के लिए कार्य करना। आज उमेश कुमार जैसा व्यक्तित्व जो समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, बच्चों के लिए कुछ करने की क्षमता रखता है, उसको आमंत्रित करके हमने उनके विचार जाने और हमको खुशी हुई कि उनके दिल में कुछ कर गुजरने की क्षमता है। हम चाहते हैं कि अगर हरिद्वार के इस लोकसभा क्षेत्र को एक ऐसा प्रतिनिधि मिले जो आम जनता की आवाज़ को सुने और उनके लिए कार्य करे। इस वजह से हमने उमेश कुमार जी को आमंत्रित किया और हमें खुशी हुई कि उनके विचार जो हैं वो भविष्य में जो है इस क्षेत्र की जनता के काम आएंगे। मेरी उम्मीद है कि वो सफल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।